कटिंग लगाते हैं और कटिंग सारी ख़राब हो जाती है, मर जाते हैं, यानी कि कोई रिजल्ट नहीं मिलता और मन बिल्कुल मायूस हो जाता है। तो आज की वीडियो में आपको 10 ऐसे प्लांट्स के नाम बताऊंगी जिनकी कटिंग आप लगाते हो और आपकी कटिंग बिल्कुल 100% सक्सेस होगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा, उसके बाद आप कैसी भी कटिंग लगा सकते हो। और सारे मैं आपको कुछ प्लांट फ्लावरिंग और कुछ शो प्लांट बताऊंगी जिन जो लीफी होती है, ग्रीन लीफी, और बिल्कुल सन लविंग प्लांट, आप उसको धूप में रखिए, बिना केयर के प्लांट चलने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्मी ग्रीनरी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए कुछ कटिंग्स में, नंबर वन कटिंग में आपको बताऊंगी मैं, ये है विन का, जिसको कि सदाबहार के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी कलर्स होते हैं इसमें फूलों की, देख सकते हो आप कितना प्यारा कलर है ये। आप इसको बीज से भी ग्रो कर सकते हो और जड़ से भी और कटिंग से भी। आप जितना कटिंग करोगे ये और बूसी होता जाएगा, देख सकते हो एक ही प्लांट है और मैंने कटिंग किया है इसके, तो कितने सारे आप देख सकते हो ब्रांचेस आ रखी हैं फ्रेंड्स इसको। और ये सन लविंग प्लांट है, आप इसको धूप में रखिए, बिल्कुल आपको कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटी सी कटिंग लगाइए, आप 4 से 6 इंच की कटिंग लगा लीजिए और उसके बाद में आपके गार्डन से ये कहीं नहीं जाने वाला है, कहीं भी नहीं जाने वाला। आप तंग आ जाओगे पर ये प्लांट आपसे तंग नहीं आएगा और हमेशा फूल देने वाला है। कम केयर का प्लांट है ये। देखिए ऐसे कटिंग लीजिए और जब भी कटिंग लगाइए फ्रेंड इसको, आपको कटिंग लगाने के कुछ दिन तक इसको शेड में रखना है, बालकनी वगैरह में रखिए या फिर ग्रीन नेट के नीचे, डायरेक्ट धूप में नहीं रखना चाहिए कोई भी कटिंग को आप काट लगाते हो तो। और देखिए ये देसी वाला है सदाबहार, कितना हमेशा फूलों से भरा रहने वाला प्लांट है और कम केयर का है प्लांट। जब भी आप कोई कटिंग लगाते हो वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए, या तो कंस्ट्रक्शन सैंड होता है, रेत जिसको बोलते हैं उसमें लगाइए, या फिर मिट्टी में भी लगा सकते हो आप, थोड़ा सा आपको गोबर की खाद के साथ मिला के लगाइए। और देखिए ये है जेट प्लांट, बहुत शुभ माना जाने वाला प्लांट है, सेकंड नंबर में जेट प्लांट बता रही हूँ मैं इसकी। तो आप इसकी एक पत्ती भी आप लगा देते हो ना मिट्टी में, वो भी हो जाती है। तो आप जब कटिंग लगा रहे हो फर्स्ट टाइम, तो इसको आप 4 से 6 इंच की कटिंग लगाइए। और जब भी कटिंग लगाते हो ना तो एक मत लगाइए, 2, 3, इवन 4, 5 लगा लीजिए, कहीं अगर एक ख़राब हो गई तो दूसरी तो ज़रूर हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए आप ऐसी कटिंग भी ले सकते हो और नीचे की 4 से जितनी भी पत्तियाँ होती है निकाल दीजिए और उन पत्तियों को फेंके नहीं, उनको भी लगा दीजिए। थर्ड नंबर पे ही अजवाइन का पौधा। अजवाइन का पौधा फ्रेंड्स बहुत अच्छा मेडिसिनल प्लांट है, इसको आप चाय वगैरह में डाल के काढ़ा वगैरह भी पी सकते हो, बोन्स के लिए बहुत है, अच्छा है ये, आयुर्वेदिक प्लांट है। इसकी भी आप छोटी सी कटिंग लगा लीजिए, ये भी अपने आप चल पड़ने वाले प्लांट है और बहुत सारा प्लांट आपको गार्डन में बन जाएगा एक कटिंग से। आप जितना कटिंग करिए उतना प्लांट आपका बूसी बनता जाएगा ये भी। और थर्ड नंबर में तो इसका कहना ही क्या, वंडरिंग जीव। वंडरिंग जीव का काम ही वंडर है बिल्कुल। आप छोटी सी कटिंग, इतनी छोटी सी भी कटिंग आप ले लीजिए और उसको भी लगा दीजिए आप मिट्टी में, आप इसको कोकोपीट में भी लगा सकते हो, किसी में भी लगा दीजिए, चलने वाला प्लांट है। आप एज ए हैंगिंग बास्केट भी इसको यूज़ कर सकते हो। देखिए ये है पर्पल हार्ट, पर्पल हार्ट भी बहुत ईजी टू ग्रो है और इसको आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हो, छोटी सी कटिंग भी लगा लीजिए, ये भी चल पड़ेगी फ्रेंड्स आपके गार्डन में। और जितना कटिंग करते जाओगे उतना बूसी होता जाएगा ये प्लांट, बहुत ही हार्डी प्लांट है। और ये है डेविल्स बैकबोन, डेविल्स बैकबोन आप इस, ये ग्रीन है, इसमें कोई फ्लावर वगैरह नहीं आते, ये भी लीफी है और इसको आप कटिंग से ग्रो कर सकते हो। आज 4 से 6 इंच की कटिंग ले लीजिए और लगा लीजिए, बहुत अच्छा प्लांट है ये, आपने पार्कों में देख रखा होगा, कहीं से भी आप कटिंग ले आइए फ्रेंड्स इसको, आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं है। और देखिए ये तो फूलों से भरा आप देख रहे हो, कितना सुंदर लग रहा है, एज ए मैक्सिकन पिटूनिया के नाम से भी जाना जाता है ये प्लांट। और ये मैं पार्क से लाई थी कटिंग इसकी, और देखिए आप इस तरह की कटिंग लगा सकते हो, यहाँ से ऐसे कटिंग लगा लीजिए, 2-4 नोड एरिया आप मिट्टी में डाल दीजिए। और सन लविंग प्लांट है ये बिल्कुल, जितना धूप में रहेगा प्लांट आपका फ्लावरिंग देता रहेगा फ्रेंड्स। और कम केयर का प्लांट है, कोई भी आपको मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप लगा दीजिए बस, आप छोड़ दीजिए, तो बहुत अच्छा प्लांट है। और ये है बिल्कुल ही फ्री का, आप खा के फेंक देते हो तो आप वहाँ से उसको आप फ्रूट वाले से भी ला सकते हो। ये है अनानास का, पाइनएप्पल का जो ऊपर का पार्ट होता है ना उसको लगा दीजिए बस, ये हमेशा आपके गार्डन में रहेगा, सकुलेंट वैरायटी का है। और ये है चेन प्लांट, तो ये भी जैसे उसी आपको अनानास के प्लांट जैसा ही लग रहा है लेकिन वो नहीं है, ये चेन प्लांट है। इसकी बहुत सारे चेन्स इस तरह से निकलते रहते हैं, एक बार आप लगा लीजिए बस आपके चारों तरफ से चेन निकलते रहेंगे, वहीं से कट करके आप इसको दोबारा कहीं भी लगा दीजिए तो आपके गार्डन में एक बार आ गया फिर कहीं नहीं जाने वाला प्लांट है। ये सन लविंग प्लांट है, आप इसको धूप में भी रख सकते हो, कोई भी आपको मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत हार्डी प्लांट है।
ये सारे जितने भी मैं प्लांट्स आपको बता रही हूँ, ये कटिंग आप लगाइए, 100% चलने वाले हैं फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किया है बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और देखिए फ्रेंड्स, ये है मनी प्लांट। मनी प्लांट तो जैसा नाम है, मनी मनी प्लांट, बिल्कुल उसी तरह से गुच्छा से भर जाएगा। ये हर घर में आपको मिलेगा। इसको आप पानी में भी ग्रो कर सकते हो, बहुत इजी टू ग्रो है प्लांट्स ये वाला। आप मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हो, छोटा सा आप 2-4 नोड एरिया वाला ले लीजिए और उसको आप लगा लीजिए मिट्टी में, और इसको आपको शेड में रखना होगा, इसको धूप में नहीं रखना है। तो ये शेड लविंग प्लांट है फ्रेंड्स। इसको एज ए हैंगिंग बास्केट भी यूज़ कर सकते हैं, तो हमारे घर की शोभा बढ़ाने वाला प्लांट है ये। वास्तु के हिसाब से बहुत ही लक्की माना जाने वाला प्लांट है ये। कई लोग चोरी करते हैं कि चोरी करके कटिंग लग जाती है, तो ऐसी भ्रांति है, ऐसा मत करिए, मांग के लिए आइए बेशक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ में, तब तक आप इस सितंबर बारिश का फ़ायदा उठाइए और कटिंग ज़रूर लगाइए। ओके।